हाय, बहुत बार हमने देखा होगा कि लोगों को वजन कम करना होता है, लेकिन उनको बेसिक वजन कितना कम करना है यही पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि वो वेट के किस मुकाम पे है वो उनको पता नहीं होता। सो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आप वेट के किस मुकाम पे हो। सो जनरली 5 मुकाम है, 5 स्टेजेस है वेट के। अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेज, एक्स्ट्रा ओबेज। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे? सो एक सिंपल वे है डिसाइड करने के लिए, BMI। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी हाइट और आपका वेट चाहिए होगा उसके लिए, और उसकी वजह से एक फार्मूला होता है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो BMI कैलकुलेशन का फार्मूला, और अदरवाइज मुझे भी कॉल बैक कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे BMI कैलकुलेट करना है। BMI कैलकुलेट अगर आपका करने के बाद जो बिलो 18 आता है, 18.5 के बिलो आता है, तो आप अंडरस्टैंड कर लो कि आप अंडर वेट हो। आप कुपोषित बोलते हो उसको, कुपोषित बॉडी में हो, और आपको हेल्दी वेट इंक्रीज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका BMI 18.5 टू 25 तक है, तो आप आइडियल वेट पे हो, नॉर्मल वेट पे हो, और आपको हेल्दी लाइफ जीने की अभी कोशिश करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज एंड गुड न्यूट्रिशन। अगर आपका BMI 25 टू 30 के बीच में आता है, तो आप ओवर वेट हो, सो इट इज़ अलार्मिंग। आपका थोड़ा सा वजन बढ़ने चालू हो गया। अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया, तो ये कभी भी ओबेसिटी में जा सकता है। और ओबेसिटी कब चालू होती है? अगर आपका BMI 30 टू 35 तक जाता है, तो हम उसे ओबेज बोलते हैं। एंड आपका BMI अगर 35 के ऊपर जाता है, तो इसको एक्स्ट्रा ओबेसिटी बोलेंगे, एक्स्ट्रा ओबेज बोलेंगे, और उसको एनी हाउ आपको ओबेसिटी कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, ओवरवेट होगा, तो आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स, शुगर के प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियाँ। सो इन सब का बेसिक रीज़न होता है आपका बढ़ा हुआ वेट। सो ऐसी गुड टिप्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे बिंदास कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।